अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी चिकन कढ़ाई की रेसिपी, वो भी बहुत इजी रेसिपी के साथ। अब अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पतीली में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसके बाद इसमें 1/2 kg चिकन डाली है। अब इस चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। मुझे चिकन को फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब चिकन और अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से 1 मिनट तक के लिए भून लेंगे। अदरक लहसुन को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। अब इसके अंदर 7 से 8 कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून या हसबे जायका। टमाटर गलने के लिए इसको 10 मिनट तक के लिए कवर करके रख देंगे। 10 मिनट बाद हमारे सारे टमाटर अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब टमाटर और चिकन को अच्छी तरीके से 1 मिनट तक के लिए भून लेंगे। इसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। अब इसके बाद इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब चिकन को गलने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। हमारी चिकन को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर 1 कप के करीब दही शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसके बाद इसमें कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अब एंड में 1 टेबलस्पून गरम मसाला डालेंगे। अब इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मज़ेदार सा चिकन कढ़ाई तैयार है। ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी। अब इसको हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। इसको हम सर्व करेंगे। आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।